अपनी नबूवत पर एक ताज़ा सर्वे आया है। दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहस हुई है कि कानून के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर की शख्सियत कौन सी है। तो जो जजेस थे वो ईसाई थे, और जो मजमा था कन्वेंशन टाइप का उसके अंदर मुसलमान भी थे और यहूदी भी थे और ईसाई भी। तो ईसाई जनों ने तीसरा नंबर दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरा नंबर दिया, और पहला नंबर उन्होंने दिया हजरत मोहम्मद ऊंची आवाज और ऊंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईसाइयों ने एतराज किया वो अपने जजेस से कि आप तो ईसाई हो और आपने अपने नबी को पहला नंबर देना था, आपने उनको नहीं दिया। और फिर ये कहा अलैहिस्सलाम, ये कहने के लिए भी हमारे नजर सारा नहीं है, लेकिन उनकी बात नकल करता हूं कि ये तो इनके तमाम लोग दहशतगर्द हैं, तो वो इनकी तालीमात पर दहशतगर्द हुए हैं ना। और आजकल दुनिया में दहशतगर्दी चल रही है, तो ऐसे माहौल में आपने मुसलमानों के नबी को पहला नंबर क्यों दिया। तो जो उनका बड़ा जज था उसने मजमे से पूछा कि आपके अंदर यहूदी हैं, तो यहूदी ने हाथ उठाया था। ईसाई हैं तो उन्होंने हाथ उठाया था। मैंने तो फिर पूछा मुसलमान हैं तो उन्होंने हाथ उठाया। उस जज ने यहूदियों और ईसाइयों से नहीं पूछा, मुसलमानों से पूछा कि आप अपने नबी पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तो वो सब हाथ नहीं उठाया, खड़े हो गए कि हम अपने नबी पर जान कुर्बान करने के लिए। तो उन्होंने ईसाइयों से कहा ये वजह है, एक नंबर ये वजह, इन्होंने अपने नबी को देखा नहीं और 1400 साल गुजर गए, आज वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन लोगों को सोचो जो वहां रहते थे, उनके साथ नमाज पढ़ते थे, उनको देखते थे, उनकी क्या हालत होगी। जिस नबी का इतना ज्यादा असर हो उसको एक नंबर क्यों न दिया जाए। और फिर कहा मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, लेकिन आपने अपने नबी के लिए जान नहीं देनी, फिर पूछने की जरूरत क्या है। मैं आपसे इसलिए नहीं पूछता तो आप तो अपने नबी के लिए जान ही नहीं दे सकते, ये देते हैं। मुसलमानों की तरबियत ये है कि ये अपने इस्लाम में कुर्बान होगा। आप बोले इंशाअल्लाह।